हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबके सामने लाया हूँ एक एडवांस लेयरिंग ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमने कैसे किया और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पार्टीशन देन ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है एंड फिर अपर क्राउन सेक्शन निकाल लेना है। फिर हम बैक कॉम करेंगे, जो हमने लोअर क्राउन सेक्शन निकाल रखा है इसमें से बैक साइड से हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद आप उसको बैक कॉम करना है। जब भी आप बैक कॉम करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको रूट्स पे करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे भी करना है रूट्स पे जहाँ पे आपने बैक कॉम करी है, जिससे हमारी बैक कॉमिंग अच्छे से स्टे करे। फिर देन एक सेकंड सेक्शन लेना है, वो भी सेम हॉरिजॉन्टली लेना है थोड़ा सा डायगनल में, और इसको भी आप बैक कॉम करोगे। बैक कॉम करने के बाद आपको इसको रूट्स पे सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम करना है और स्प्रेड कर देना है। सेम ऐसी थर्ड सेक्शन लेना है, सेक्शन लेने के बाद इसको भी रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको इसको जब आपका बैक साइड का सारा सेक्शन बैक कॉम अच्छे से हो जाए फिर हम आते हैं फ्रंट वाले पे। फ्रंट वाले पे भी आपको क्या करना है, पहले इसको भी दो पार्टीशन पे अच्छे से डिवाइड कर लेना है हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके, सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसको स्प्रेड कर देना है। जब आपका आखिरी सेक्शन बचे उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको रूट्स पे कॉम करना और स्प्रेड कर देना है। करने के बाद आपने जितनी भी आपने बैक कॉमिंग करी है इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, अपने सॉफ्ट हैंड से होल्ड करके, और बहुत सॉफ्ट हैंड से आप इसको कॉम करना है और जितने भी बैक कॉम करिए आपने उसको अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना है। करने के बाद आप इसको अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद लेफ्ट हैंड से होल्ड करके आप यू पिन से इसको होल्ड कर लेना है। यू पिन से कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, बीच में आपको यू पिन लगाना है, चाहो तो दोनों साइडों में भी आप यू पिन्स लगा सकते हो। और फिर पफ को इक्वल कर लेना है टेलकॉम से। फिर आपको करना है इसमें लेयरिंग। लेयरिंग कैसे करना है, एक एक लेयर्स को आपको पुल टेक्निक से ऊपर की साइड उठाना है और अच्छे से डिफाइन करना है। जब अच्छे से डिफाइन हो जाए पहले आप अच्छे से सारी लेयरिंग को निकाल लेना है, अपना सारी अच्छे से लेयरिंग कर लेना। लेयरिंग करने के बाद ही आप स्प्रे करना, पहले ही स्प्रे मत करना, पहले अच्छे से सारी लेयरिंग निकाल लेना। ऐसा मत करना कि एक एक लेयरिंग उठाना और एक एक लेयरिंग पे आप स्प्रे करना, इससे क्या होता है कि और हेड्स पे भी हमारा स्प्रे गिर जाता है तो फिर हमारा क्या होता है लेयरिंग निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, पहले अच्छे से लेयरिंग निकाल लेना सारी, राइट साइड लेफ्ट साइड की दोनों साइड से अच्छे से लेयरिंग निकाल लेनी है आपको। लेयरिंग निकालने के बाद आपको स्प्रे करना है सेम, जब आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाए फिर देन राइट साइड भी आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। पुल टेक्निक से फिंगर के हेल्प से आपको इसको ऊपर की साइड पुल करके एक एक लेयर्स को ऊपर की साइड खींचना है, पुल करना है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखो आपकी लेयरिंग कितनी फिनिशिंग के साथ निकल रही है और कितनी फाइन निकल रही है। तो इसी तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। लेयरिंग होने के बाद आप स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद आप इसको वॉपिन से पिनअप कर देना। तो इस तरीके से आपको लेयरिंग कंप्लीट करनी है। जब आपका पफ कंप्लीट हो जाए फिर हम आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे आपको कैसे फ्रंट सेट करना है, जहाँ से हमारे आईब्रो का आर शेप बनता है पहले आपको बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। बॉक्स सेक्शन निकालने के बाद जो हमारा नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम अच्छे से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद जहाँ हमने पफ को टक पिनअप किया था वहीं पर हम इसको भी अच्छे से पिनअप कर देंगे एक पिन से। अब हम करेंगे फ्रंट सेट। फिर हम आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे आपको कैसे करना है, जो हमारा बॉक्स सेक्शन निकाला था इसको अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपको राइट हैंड से इसको नीचे की साइड स्प्रेड कर लेना है, अच्छे से स्प्रेडिंग कर लेना है। स्प्रेडिंग करने के बाद आपको जहाँ पे हमने पफ को पिनअप किया था वहाँ पे साइड में आपको एक यू पिन लगाना है। यू पिन से आपको इसको होल्ड करना है। यू पिन से होल्ड करने के बाद आपको फ्रंट पे करनी है लेयरिंग। तो आप लेयरिंग कैसे करोगे, एक एक लेयर्स को पुल टेक्निक से दोनों हैंड से ऊपर की साइड आपको पुल करके ऊपर की साइड खींचना है। एक एक लेयर्स को अच्छे से डिफाइन करना है पुल टेक्निक से, एक एक लेयर्स को अच्छे से उठाना है और फिनिशिंग करते हुए बैक साइड ही चले जाना है आपको। अच्छे से एक एक लेयर्स को अच्छे से उठा लेना है, सेम बैक साइड से स्टार्ट करना है लेयरिंग को उठाना और फिर बैक साइड से स्टार्ट करके आप फ्रंट की साइड आना। जितनी भी आपको लेयरिंग उठानी है सिर्फ और सिर्फ पुल टेक्निक से उठाना है आपको। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक एक लेयर्स को बहुत ही फाइन हेयर पकड़ना और ऊपर की साइड पुल करना। ये नहीं कि आप जिस बाल को पकड़ रहे हो वो नहीं खींच रहा है, दूसरा खींच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बाल को खींचना चाहो उसी को खींचना। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप शाइनिंग स्प्रे यूज कर लेना या फिर आप बॉक्स सेक्शन पे आप अच्छे से बालों पे सिरम लगा लेना। फिर अच्छे से जब आपकी लेयरिंग सारी कंप्लीट हो जाए फिर आपको स्प्रे लेना है। स्प्रे लेना है, स्प्रे करके फिर आप एक एक लाइंस को और भी अच्छे से आपको डिफाइन करना है। एक एक लेयर्स को अच्छे से डिफाइन कर लेना है स्प्रे के साथ।
अभी देखो जहां मैं स्प्रे कर रहा हूँ वहीं पे स्प्रे करना है और एक एक लेयर्स को फिंगर की हेल्प से आपको इसको सीजर स्टाइल में इसको फिनिशिंग कर लेना है। अभी देखो जो फ्रंट से अगर ये कहीं थोड़ा सा डाउन लग रहा हो तो इसको अप कर लेना, अच्छे से लेयरिंग को कंप्लीट करना है आपको। जब आपकी लेयरिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर आप इसको बैक साइड ही वॉपिन से पिनअप कर देना है आपको। अब देख लो लेयरिंग पहले एक बार अच्छे से, फिर देख लेना लाइनिंग इक्वल है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, अगर ऊपर नीचे हो तो उसको बिल्कुल इक्वल कर लेना। जब आपको लगे कि इक्वल है तब लेफ्ट हैंड से होल्ड करना और राइट हैंड से आप वॉपिन को वॉपिन से आप इसको पिनअप कर देना, जहां पे आपने पफ को भी पिनअप किया था वहीं पे इसको भी आप पिनअप कर देना। और पिंस पे भी स्प्रे जरूर करना, इससे क्या होता है कि हमारी होल्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। जब आपका राइट साइड कंप्लीट हो जाए फिर हम आते हैं लेफ्ट साइड पे, सेम लेफ्ट साइड का भी बॉब सेक्शन निकाल लेना है, जो नीचे वाला सेक्शन उसको हमने पिनअप कर लिया। इसको भी पहले अच्छे से कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड से फिर राइट हैंड से की साइड से नीचे की साइड आपको स्प्रेड करना है। आप देख लो इस तरीके से इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद सेम टेक्निक है, इसको यू पिन से पीछे की बैक साइड आपको होल्ड करना है, बैक साइड अच्छे से होल्ड कर लेना है। जब भी आपका यू पिन से अच्छे से होल्ड हो जाए तो फिर आपको इसमें भी सेम आपको लेयरिंग करनी है। लेयरिंग सेम मैंने जैसे आपको अभी राइट साइड बताई है, सेम लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके से आपको अच्छे से लेयरिंग करनी है। जब आपकी लेयरिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर आपको स्प्रे करना है, स्प्रे के साथ साथ अपनी लेयरिंग्स को अच्छे से डिफाइन करना है, इन्हेंस कर लेना है और स्प्रे से इसको अच्छे से होल्ड करा लेना है। जब अच्छे से आपका लाइनिंग अच्छे से विजुअल हो जाए और होल्ड हो जाए फिर आप इसको वॉपिन से पिनअप कर देना है, और वॉपिन से पिनअप करने के बाद भी आप पिन पे भी आपको स्प्रे करना है। जब हमारा फ्रंट अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए फिर सारे हेयर्स को हमको पोनी पोनी की साइड आ जाना है। पोनी में आपको एक डोनट लगा लेना है, डोनट लगाने के बाद आपको यू पिन से डोनट को अच्छे से लॉक कर लेना है। यू पिन वॉपिन जो भी आपको सूटेबल लगे उससे इसको डोनट को अच्छे से लॉक कर लेना है, आपको डोनट को अच्छे से पिनअप कर लेना है। जब आपका डोनट अच्छे से लग जाए तो इसके बाद आपको जितने भी हमारे हेयर बच जाए इनका आपको ब्रेड बनाना है। सिंपल जैसे सिंपल चोटी से बनती है आपको सिंपल चोटी बनाना है। सिंपल चोटी बनाने के बाद आप इसको डोनट को डोनट पे ही आप इसको पिनअप कर देना। सेम जितनी भी चोटीज बने एक एक चोटी बनाते बनाना है आपको, और साथ साथ ही आपको इसको पिनअप भी कर देना है। कुल मिला के आपको ये जो डोनट है हमारा इस डोनट को अच्छे से कवर अप कर लेना है, डोनट हमारा ये पूरा कवर हो जाना चाहिए। जब आपका डोनट अच्छे से कवर हो जाए तो आप चाहो तो पूरे बालों पे गजरे भी लगा सकते हो। ये जस्ट हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, आप चाहो तो पूरे बालों पे गजरे भी लगा सकते हो, और चाहो तो साइड में बाउंड्रीज में भी आप गजरे लगा सकते हो या फिर रियल रोज भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट है एडवांस लेयरिंग ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो ये हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, मेकअप एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड ही न्यू ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। जब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए।